पांच हर्ब्स के नाम बताने हैं जिससे हमारा इलाज होता है, हेल्दी हो गया। और आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं जानती नाम कि आपको क्या पांच हर्ब्स के नाम पता है, क्योंकि आप इस्तेमाल करते हो होम रेमेडीज। बिल्कुल करती हूं। देख लो, गृहिणी का शक्ति पे ना डाउट नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुति और आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में, हर्ब्स के बारे में जो नॉर्मल किचन में हमारा इस्तेमाल होते हैं। पहले पूछते हैं लोगों से क्या उनको पता है इन हर्ब्स के बारे में, क्योंकि कोरोना के बाद काफी लोग होममेड रेमेडीज के पीछे जा रहे थे कि हल्दी वाली दूध, हल्दी वाली ये गुड़ की चाय, ये सब पीने के लिए पीछे जा रहे थे ताकि उनको घर में ही इलाज मिल सके। तो मैं पूछना चाहूंगा आज के आपसे कि आपका नाम क्या है? विद्यानंद कुमार। तो सर, आपको ये मालूम है कि हम लोग जैसे कि पांच हर्ब्स के नाम बताने, बेसिकली आपको कि पांच हर्ब्स के नाम बताने हैं जिससे हमारा इलाज होता है, पता है आपको उनके नाम? पता है। तो बताइए क्या नाम है? जैसे अदरक हो गया जी, हल्दी हो गया, काली मिर्च हो गया, और अगर नहीं पता कोई बात नहीं, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, आपने तीन नाम बता दी, दो मैं बता देती हूँ, आपकी हेल्प कर देती हूँ। जैसे नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सब का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? हम घर में रखी चीजों का इस्तेमाल किस वजह से करते हैं? ताकि हम लोग जैसे खाने में भी स्वाद आते हैं उससे, तो हम अपने शरीर को भी स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं उन सब चीजों से। तो आपको पता था इनके नाम? तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तीन के नाम बताए, क्योंकि लोगों को एक के भी नाम नहीं पता होंगे। अभी पूछूंगी तो चलो आगे किसी और से पूछते, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? हेलो, माय नेम इज स्वाति। स्वाति, आप क्या करते हो? मैं डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करती हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं बस आपका थोड़ा समय लूंगी, दो मिनट का टाइम, बस इतना पूछना है मुझे कि आपको क्या पांच हर्ब्स के नाम पता है जो आजकल बहुत यूज होते हैं, कोरोना के बाद लोगों ने घरेलू उपचार इस्तेमाल कर दिया है ताकि उनको इम्यूनिटी बूस्ट हो, ये हो, तो क्या आपको नाम पता है पांच हर्ब्स के बारे में? जी बताइए। लौंग हो गया, इलायची हो गया, बनफ्सा हो गया, इलायची, काली मिर्च हो गया, हम इनको यूज करके अपना कोविड का ये जो पहले यूज किया गया था, हम इसको जड़ी बूटी के द्वारा अपने जो इलाज करते हैं। और दो नाम कोई और पता है आपको? दालचीनी। जी दालचीनी, बिल्कुल। और एक नाम हल्दी भी ले सकते हैं, हल्दी भी ले सकते हैं। तो इन्होंने पूरा पांच के पांच नाम बता दिया आपको, तो अब इनको गिफ्ट मिलेगा हमारे तरफ से। तो आप अपना नंबर हमें दे दीजिएगा तो आपको हमारे चैनल की तरफ से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, आपका क्या नाम है? राजेश। सर, तो आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आजकल के टाइम में ना ये जो भाग दौड़ की जिंदगी, बड़ी जिंदगी हो गई है, तो सब लोग ज्यादातर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर का सहारा लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हमारे किचन में ही बहुत सारी चीजें पड़ी होती है जिससे हम अपना इलाज कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है कि पांच हर्ब्स के नाम आज के टाइम पे? ट्राई कर सकता हूँ। बिल्कुल करिए, क्या हो सकता है? सर से पूछते हैं आखिर कि क्या पांच हर्ब्स के नाम सर बता सकते हैं या नहीं? सबसे पहले हल्दी, हल्दी, इलायची, इलायची, लौंग, लौंग, बिल्कुल सही सर, तेज पत्ता, तेज पत्ता, बिल्कुल, और काली मिर्च, काली मिर्च। सर ने तो पांचों के नाम बता दिए। सर आपको पता है इसके कुछ फायदे, एक दो फायदे कुछ भी? हल्दी से तो पेन रिलीव हो जाता है। हाँ, पेन रिलीव होता है, हल्दी वाली दूध पीते हम ताकि हमें जुकाम हो, सर्दी खांसी ये सब ठीक हो जाए। तो आपने तो बता दिया सारे नाम सर। आप इलाज करते हो अपना, मतलब घरेलू उपचार में भरोसा रखते हो? यस, 100%। जैसे अगर आपको फीवर वगैरह आया तो आप कुछ किसी को बताना चाहो कि क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग पैरासिटामोल खा लिया इसी पर भरोसे निर्भर रहते हैं। तो आपको कफ वगैरह जब होता है जनरली, तो जो हमारी रेमेडीज होती है जैसे अदरक हो गया, काली मिर्च हो गई, इससे आप अगर पीस के कूट कर खाए तो ठीक हो सकता है। बिल्कुल सर ने सही बोला कि क्योंकि आजकल के लोग ना सारे मेडिसिन या डॉक्टर्स पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन सर ने बताया अभी कि आप काली मिर्च या अदरक वगैरह कूट के ले सकते हो, उससे आपका कफ वगैरह आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ ये जानकारी शेयर की, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, आपका नाम क्या है? संदीप। तो सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहते हो, क्या आप होम रेमेडीज या घरेलू उपचार के मतलब भरोसा करते हो? आप वो यूज करते हो अपने घर पे कभी भी? करते हैं। कि जैसे एक बीमार कोई पड़ते तो आजकल लोग डॉक्टर के पास ही भाग रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ी बहुत भी जुकाम सर्दी हो गई, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता हमारे किचन में ही इलाज पड़ा है, तो आप यूज करते हो? करते हैं। तो आप पांच हर्ब्स के नाम बता सकते हो हमारे ऑडियंस को? कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करिए। लौंग, एक लौंग हो गया, काली मिर्च, काली मिर्च, बिल्कुल, और बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, इलायची भी होती है, छोटी इलायची भी होती है, ये तो तीन में काउंट होगा क्योंकि आपने इलायची बड़ी और छोटी दोनों बोले। अदरक, अदरक, और एक कोई लास्ट बता दो जल्दी। एक हल्दी, हल्दी, बिल्कुल सर ने भी पांच पांचों हर्ब्स के नाम बता दिए सर। बता सकता हूँ और भी बता सकते, चलो जान लेते, अगर जानकारी है तो जान, आप भी सुनिए।
बताइए सर क्या बताऊं, कोई भी और एक दो? इसके अलावा हरड़ होती है। अच्छा, आप शायद नहीं जानते होंगे हरड़? नहीं जानती, नाम हरड़ होती है। और इसके अलावा दालचीनी होती है। बिल्कुल सर, आपको तो बहुत सारे हर्ब्स के नाम पता है। मैं यूज करता हूँ सर, तो बिल्कुल यूज करते, क्योंकि सर ने हमारे मतलब मैक्सिमम 5 था हमारा क्वेश्चन, लेकिन सर ने उससे ज्यादा आंसर दिए, इसका मतलब सर जरूर यूज करते हैं अपने घर में, क्योंकि ये वीडियो के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सच में यूज करते हैं सर, तभी बता रहे हैं। तो सर आप यूज कर रहे हो ना पक्का, तो आप बोलना चाहोगे लोगों को कि इस्तेमाल करना चाहिए घर के, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होते हैं ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो ऐसे आजकल मार्केट में आ रहे हैं, तो बहुत लोगों को सूट नहीं करता ये दवाइयां वगैरह, तो आप क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को कि इस्तेमाल करें हमारे जैसे घर में किचन में पड़ा होता है? बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जो होम रेमेडी होती है वो बेस्ट रेमेडी होती है, और जो इंग्लिश मेडिसिन होती है वो बाद में साइड इफेक्ट ज्यादा करती है। सुन लो, जो जो इस्तेमाल करते हो ना सुन लो ध्यान से क्या बोल रहे हैं सर, कि जो मतलब इस्तेमाल करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो घर के उपचार ज्यादा बेस्ट होता है सर, आपको यही कहना है? सर भी कर दो तो आप लोग भी आज से स्टार्ट कर दो। मैम आपका नाम क्या है? भावना। मैम मेरा ना बस थोड़ा सा क्वेश्चन, आप अपने बिजी शेड्यूल से 2 मिनट मुझे दे दे, मुझे आपसे ये जानना है कि आजकल जो होम रेमेडीज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोविड के बाद, ज्यादा लोगों का ये हुआ है कि घर के उपचार ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं कर रहे थे, घर पे ही रेमेडीज, तो क्या आप इस्तेमाल करते होम रेमेडीज? कैसे, स्किन वाइज या हेल्थ वाइज? दोनों तरीकों से। तो आपको तो 5 हर्ब्स के नाम पता ही होंगे पक्का, तो चलिए मैम से पूछते हैं, जानते हैं कि 5 हर्ब्स के नाम मैम बता पाती है नहीं, तो ठीक है मैम 5 मैं गिन रही हूँ, आप बताओ। हल्दी हो गई है। बिल्कुल हल्दी। जीरा हो गया। जीरा हो गया। और अलसी हो गई है। अलसी हो गई। मेथी दाना हो गया। मेथी दाना हो गया। और एक बच रहा है मैम, कोई भी मतलब शहद यूज कर सकते हैं। हाँ। में आएगा तो आप कुछ इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं, कोई भी चीज के जो जैसे कि एलोवेरा हो गया उसका बेनिफिट्स पता है? ये खाया भी जाता है, लगाया भी जाता है। तो आप इस्तेमाल करते हो कभी अपने फेस पे? उसे क्या होता है बता दो ऑडियंस को, जैसे बहुत ग्लो कर रही है भाई ऐसी उम्र में, मुझे नहीं लगता मेरी स्किन ग्लो करेगी इनकी उम्र के आने के बाद, मैं तो अभी से डल हो रही हूं। जरूर करेगी। तो मैम का कहना है कि अगर मैम की जैसे ग्लोइंग स्किन पानी है तो पहले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करो, जो घर पे बन रहे ना पेड़ पौधे उगाओ उसको उसको इस्तेमाल करो, घर का उपचार यूज करो, बाहर नहीं कॉस्मेटिक ब्रांड में जाकर के। मैम को पूरा यही कहना है कि आपको मतलब पता है कि यही सारे यूज करने से ज्यादा ग्लोइंग स्किन आएगी, बाकी लोग साइड इफेक्ट्स भी आते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस्तेमाल करें मैम के जैसे ग्लोइंग स्किन पाने के लिए। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? गीता। तो मैम आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन? हाउसवाइफ। अच्छा, तो आप तो किचन में टाइम स्पेंड करते हो, बहुत अच्छा, किचन के साथ आपका रिश्ता तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी हाउसवाइफ है, तो किचन के और गृहिणी का रिश्ता ना अलग ही होता है कुछ, तो मैम से मैं जानना चाहूंगी कि मैम आपको पता है कि हमारे किचन में भी बहुत सारे ऐसे हर्ब्स है या जड़ी बूटियां है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किन के लिए भी और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी, तो आप 5 किसी भी हर्ब्स का नाम या जड़ी बूटियों का नाम बता सकते हैं? कड़ी पत्ता, मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन। मैम तो फटाफट 5 नाम बता दिए, मतलब देख लो गृहिणी का शक्ति में ना डाउट नहीं करना चाहिए, वर्किंग वुमन हूँ मैं भी, लेकिन एज अ गृहिणी मतलब जो घर में रहती है उनको ज्यादा किचन के बारे में मालूम रहता, और मैम ने 1 मिनट नहीं लिया सारे नाम बता दिए। ऐसे बीमार पड़ते हैं ना लोग तो हल्दी का दूध या काढ़ा वगैरह आप इस्तेमाल करते हो? अच्छा, तो मैम करती है और एज अ स्वास्थ्य, क्योंकि वो ना साइड इफेक्ट नहीं देता आपको, आपको लगता है क्योंकि दवाइयाँ वगैरह देती है साइड इफेक्ट वगैरह, तो आप इस्तेमाल करते हो? क्या इस्तेमाल करते हो? जैसे की जैसे मेथी दाना है, जीरा है, अजवाइन, और जब मतलब पेट में दर्द वगैरह होता मतलब गैस वगैरह की प्रॉब्लम तो आप उसको अजवाइन। हाँ, तो बताना चाहोगे लोगों को कैसे क्या, अगर गैस की प्रॉब्लम होगी जैसे आप इस्तेमाल करते हो तो लोग क्या करें उसके लिए? जैसे गैस के लिए अजवाइन, काला नमक और खाना सोडा लेके गर्म पानी से पी लो, आपकी गैस 2 मिनट में खत्म। देख लो ये रामबाण इलाज है, अगर अगर मम्मी की बात नहीं सुनी, आंटी लोगों की बात नहीं सुनी ना, तो तुम्हारे तो ऐसे होंगे, क्योंकि जब मेरी मम्मी भी कुछ बताती है तो सही बताती है, इसलिए आंटी की बात सुनो और इलाज घर पे ही करो। थैंक यू सो मच।